नामांकन दाखिल कराने के अंतिम दिन नगरोटा भगवां से कांग्रेस के कद्दावर नेता व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने अपना नामांकन दाखिल किया। सैकड़ों समर्थकों के साथ जीएस बाली नामांकन केंद्र पहुंचे और लगभग 1:15 बजे उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस चुनावी प्रचार में हजारों की तादाद में भीड़ उनके साथ दिखाई दी। इस मौके पर समर्थकों द्वारा बाली के मुख्यमंत्री के नारे भी लगाए गए। इसके अलावा बाली के समर्थकों ने प्रचार अभियान में भी तेजी पकड़ने की बात कही। समर्थकों ने ये भी नारा दोहराया कि काम किया है काम करेंगे और झूठे वादे नहीं करेंगे। गौर रहे कि अक्सर बाली के बोल भी यही हैं कि जो वे कहते हैं उसे पूरा करते हैं। नामांकन पत्र भरने के पश्चात मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने पिछले 20 साल में अथक विकास करवाया है। उसी की वजह है कि वे लगातार 5 बार नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब की बार वे युवाओं के लिए कोचिंग सेंटर, विधवा महिला, अनाथ बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं, जिसका संचालन नगरोटा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। जनता नगरोटा की उनका आशीर्वाद लेके आप लोगों को साथ लेकर के हमने नॉमिनेशन अपना भरा है और जनता की आवाज के ऊपर भरा है। जनता ने कहा भरिए, मैं पहले इजाजत लेने गया था, इजाजत ली, उन्होंने हाथ खड़े करके इजाजत दी, हमने नॉमिनेशन पेपर भरा है। चुनौतियां होती हैं हर चीज में, मगर मैं ये कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि कांग्रेस पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है, ऐतिहासिक जीत होगी। तो जो गरीब आदमी है, जो लाचार है, जो नौजवान है, फौजी है, एम्प्लाई है, बेरोजगार है, वो सब कांग्रेस पार्टी और मेरे साथ है। और जो बुजुर्ग है उनकी दुआएं हैं, आशीर्वाद है उनका, और ओबीसी और यहां का हर वर्ग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। और ये आज की लड़ाई नहीं है, ये बड़ी पुरानी लड़ाई है। यहां विकास बनाम बकवास, तो कुछ लोग कुछ भी बोलेंगे उसकी मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। और अगली बार मेरा दो ही अपने एरिया के लिए प्लान है। एक तो ये है कि मैं यहाँ पर कोचिंग सेंटर, नौजवानों चैलेंज है, यहाँ पर बच्चों को पता नहीं लगता किस फील्ड में उन्होंने जाना है 10वीं करने के बाद, तो यहाँ कोचिंग सेंटर रखेंगे जिसको नगरोटा वेलफेयर सोसाइटी जो हम लोग चलाते हैं वो बेयर करेगी। और एक कई जगह मैं गांव में जाता हूँ, मुझे ऑर्फन बच्चे मिलते हैं, वो मेरे हृदय को टच करता है। तो वो ऑर्फन बच्चे जो है उनके लिए, वो जो बुजुर्ग है उनके लिए और विडोज के लिए एक सेंटर बनाएंगे, वो मैं अपनी तरफ से पर्सनल तौर पर जो ट्रस्ट है हमारा, ये दोनों कामों को जो फैमिली ट्रस्ट है वो करेगा और नगरोटा वेलफेयर सोसाइटी चलाएगी। तो मैं समझता हूँ आने वाले साहब मेरे लिए ये दो बड़े महत्वपूर्ण काम है। मीडिया द्वारा परिवारवाद पे पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपके कार्यकर्ता को ठेस नहीं पहुंच रही है और उसने अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तौर पर काम किया है तो आप टिकट दें। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को भी टिकट मिल रही थी, लेकिन उनके निजी फैसले के कारण उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को कहा कि अगर उनके बेटे को टिकट देना है तो वे टिकट नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार से केवल एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि हर आदमी का निजी फैसला होता है। बाली ने कहा कि अगर वे अपने बेटे को प्रमोट करते रहेंगे तो ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सही समय पर वे अपने बेटे से जरूर चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, इसमें मैं, मेरा मानना बिल्कुल क्लियर है, मैं पहले से आप मेरा रिकॉर्ड पे देख ले, मेरा मानना क्लियर है। अगर कहीं पर आपके कार्यकर्ताओं को अगर ठेस नहीं पहुंच रही तो आप टिकट दें, आपको और कार्यकर्ता की तरह उस बच्चे ने काम किया तो कोई हर्ज नहीं है। मेरे बेटे को भी टिकट ऑफर हुई थी आज, मैं क्योंकि अब सबने भर दिया तो आज मैं रिकॉर्ड पे बोल सकता हूँ, मेरे बेटे को भी, वो जनरल सेक्रेटरी है प्रदेश में पीसीसी का, यूथ का रहा, उसको भी टिकट ऑफर हुई थी। मगर हमने ये, मैंने, मेरा निजी फैसला था कि मैंने हाईकमान को ये कहा कि अगर उसको लड़ाना तो फिर मैं नहीं लड़ूंगा, हमारे दो में से एक ही लड़ेगा। तो ये हर आदमी का निजी फैसला होता है, मेरा निजी फैसला, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ है, ये मेहनत करते हैं। अगर हम लोग अपने मैं अपने बेटे को प्रमोट करता रहूंगा तो बात है, उनका अपना है कार्य क्षेत्र, अगर वो प्रमोट होना चाहे अपने आप प्रमोट हो जाए, कहां से लड़ना चाहते हैं, जब सही समय पर प्रभु चाहेगा तो लड़ेंगे।